दुर्गा स्थान के पास जरुआ में सांप निकला हुआ है और बहुत भयानक सांप का सूचना मिला है। बताते हैं कौन सा कितना बड़ा सांप था। हाजीपुर जडुआ गांव में एक शादी समारोह चल रहा था। बस एक दिन बाद उदय चंद्र सिंह जडुआ में है, उन्हीं का भतीजी का शादी होने वाला था। आज गीत हो रहा था, काफ़ी भारी संख्या में महिला लोग यहां बैठ के गीत गा रहे थे। इसी दौरान सांप को देखा गया तो काफ़ी दहशत में लोग सब बारी बारी से बाहर निकल गए। देख सकते कितना बड़ा घटना घट सकता था। काफ़ी रिलेशन के लोग आए हुए हैं शादी समारोह में। हर वक्त लोग इसमें भीड़ में जमा रहता है, घर की इकट्ठा रहता है। जब सांप को देखा गया तत्काल हमें सूचना मिला। मैं हाजीपुर शहर में काम से निकला था, सूचना मिला बगैर काम किए हुए मैं लौट कर सांप को रेस्क्यू करने के लिए तत्काल आ गए। कारण था कि शादी समारोह चल रहा था। ये स्पेक्टिकल कोबरा है, गेहूं सांप है, काफ़ी जहरीला सांप होता है। आगे के साथ लोग सांप को मारे नहीं है, तत्काल सूचना दिए हैं तो हम लोग आके सांप को रेस्क्यू कर रहे हैं। पर्यावरण को ये लोग समझ रहे हैं, पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण बचना बहुत जरूरी है, सांपों को सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। पर्यावरण मित्र है, सांप को मारने नहीं। अगर धोखा होता है सांप काट लेता है या कोई जंगली जीव काटता है तत्काल हॉस्पिटल जाए, न कि आस्तक करे, न झाड़ फूक के चक्कर में टाइम बर्बाद करे। प्रॉपर इलाज है, अगर अस्पताल अगर जाएंगे तो आपकी जान बच जाएंगे। बहुत खतरनाक सांप होता है। कोई भी जंगली जानवर अगर घर में प्रवेश करता है तो इसे रास्ता दे निकलने के लिए नहीं, अगर निकलता है तो नजदीकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल करें। मदद करें, हम लोग आपको मारे नहीं। ये बड़ा फन वाला है, बार बार काटने का कोशिश कर रहा है। इसके माथे पे स्पेक्टिकल का चिनासी है और एक काला धब्बा भी है, बहुत कम देखने को मिलता है। ये बिल्कुल नया उम्र का साथ है, बहुत एनर्जी इनके पास है। देख सकते हैं काफी दोनों डंडा का सपोर्ट लपेट लिया है, फिर भी छुआ के लोग बाहर निकलेंगे। अब घर से बाहर लेके चलते हैं, काफ़ी मात्रा में बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं सांप को देखने के लिए। काफ़ी भीड़ भाड़ हो चुका है सांप को। जब भीड़ भाड़ होने से एक फायदा है कि सांप को मारते नहीं है, एक मैसेज आता है, हम लोग को बुला के सांप को रेस्क्यू करवाते हैं, पर्यावरण के लिए बहुत मदद करते हैं। देख सकते हैं थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। इतना बड़ा है, 5 फीट लंबा सांप है, बड़ा फन वाला है, काफ़ी मात्रा में भीड़ भाड़ है बाहर, देख सकते हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना से लोग यहाँ के बचे हैं। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार, बचपन से सांप
वो पकड़ते आ रहे हैं, छोड़ते आ रहे हैं पहलवान के लिए। सांपों को साथ काम करना जोखिम भरा काम है, फिर भी पर्यावरण के लिए किया जाता है। काफी भीड़ भाड़ है, शादी समारोह की वजह से सांप के घर में निकल जाने के बाद काफी लोग दहशत से थे। देख सकते हैं काफी भीड़ भाड़ है। लड़की का शादी था, 6/7/2021 को बारात है। आज समय डेट हो रहा है 4/7/2021, दो दिन बाद शादी समारोह था। काफ़ी लोग रिएशन आए हुए हैं, भीड़ भाड़ है, गाँव के लोग भी इकट्ठा होते हैं। चलिए सांप को पैक करते हैं डब्बे में, क्योंकि सही स्थान पे चला जाए, फिर से अपना बाकी की जिंदगी बिता पाएंगे। इस समय भी खतरा होने का 100% चांस होता है। काफ़ी समझदारी और सतर्कता के साथ काम किया जाता है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कहीं धोखा ना हो जाए, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। मैं देख रहा हाजी बोस्ना कैचर टीम, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसे मैसेज जाता है जो काफी अभी सुनने को मिलता है, घटना दुर्घटना होते रहता है, इससे बचाव होगा। सकते हैं अभी भी जाने का इसको मन नहीं है, फिर भी इनको रखा ही जाएगा। इसमें दुर्घटना 100% होने का चांस होता है। काफ़ी सतर्क हुए काम किया जाता है। काफ़ी लोग भीड़ भाड़ किए हुए हैं, ये लोग भी शांत माहौल में हैं, देख रहे हैं। बारिश की वजह से हर जगह पानी भरा हुआ, इसके वजह से स्थानीय बस्ती में आ रहा है हर जगह। हर आदमी सतर्क रहे, रात में टॉर्च के सहारे चले, मच्छरदानी का उपयोग करें रात में सोते समय। देख सकते हैं डब्बा भी नहीं गया, फिर से इनको रखा जाएगा, निकल के बाहर आ गए थे। बहुत गीला सांप है, बहुत खतरनाक सांप है, बहुत जहरीला सांप होता है, बहुत ताकतवर सांप है ये। कांठ में डूब गया है, अपने जाने के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं गया। जाने की वजह से थोड़ा देर के लिए इनको अपना एक ये का इस्तेमाल कर लेता हूँ अपनी सुरक्षा के लिए, इससे भी नुकसान नहीं होता, अपना भी सुरक्षा हो जाता है। हो गया, कोई नुकसान नहीं, कोई
वंदे मातरम।